दोस्तों, क्या हालचाल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और पीछे आपको घास दिख ही रहा होगा, आज भी हम घास काटने के लिए आए हुए हैं और मम्मी घास पीछे लटका रही है और सुधा और नानी जी लगी हुई है ऊपर काट चुके। वैसे तो हम घास आज हम 9 बजे के लगे हुए हैं सुबह से, तो काटा? मैंने भी काट दिया है, 10-15 पूले तो काट दिए मैंने भी। हाँ, बैठने के लिए मैंने काटा। देख मम्मी तो अभी घास को जो वो टांग रही है। एक्चुअली घास जो है वो आजकल सुबह ही आ जाते हैं, मतलब 8:30-9 बजे, तो इस टाइम पुराला वगैरह जो पड़ा होता है तो मतलब घास बिल्कुल गीला होता है, तो हमने गीला गीला जो है वो एक्चुअली काट दिया है। तो अभी वैसे सूखने के लिए रखा हुआ है, जब भी सूख जाएगा तो मतलब 1-2 महीने के बाद ले जाएंगे ना हम घर में, तो जब सूख जाएगा घास हम फिर उसको ले जाएंगे। मम्मी जो वो पीछे घास टांग रही है आपको दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी, तो आज हमें, मेरे को तो एक्चुअली दूसरा दिन है आज घास काटते हुए, मतलब 2 दिन ही हुए, मैंने 2 दिन इस बार जो घास अभी काटा है, ऑलमोस्ट हमने घास ख़त्म कर दिया है, काट ही चुके हैं घास। सुबह 9 बजे से आए थे, अभी टाइम 1 बज रहा है भाई, तो 1 बज रहा है तो भूख भी लग रही काफ़ी ज़्यादा। वैसे तो हम कुछ खाने के लिए भी लेके आते हैं, ये है बैग छोटा सा मम्मी जो जिसको डेली लेके आती है, तो इसमें आप देख सकते हो क्या क्या है बैग के अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको। थोड़ी बहुत खाने की चीज़ें लेके आते हैं हम, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा ड्राई फ्रूट है और 1-3-4 सेब लेके आए हैं, तो और पानी वगैरह और थोड़ा बहुत दाटी वगैरह हथियार वगैरह। तो देखिए घास किस तरह जो बांधा जाता है और किस तरह से जो वो इसको ऐसे डबल करके सिंगल सिंगल ऐसे पूला लेके, मतलब देखिए मम्मी बांध रही है, मेरे को तो बांधने नहीं आता एक्चुअली, ऐसे करके इसको ऐसे करके गांठ दे के ऐसे बिल्कुल मरोड़ मरहाड़ के इसके बीच में डाल के, और ये डबल हो गया, और उसके बाद लटका देंगे इस पेड़ पर। और गिनती अभी बाद में करेंगे, मम्मी अभी बांध रही है और इस साइड सुधा भी बांध रही है। बता दे कैसे कैसे बांधते हैं, मैंने वैसे बता दिया है, पर डबल लेके ऐसे करके आता बांधने नहीं। लगता मेरे को नहीं आता है, अभी सीख रही हूं। बांध ऐसे बांधते हैं, बांध दिया ऐसे करके गांठ मार दी, हो गया। कितने किलो का होगा कम से कम डबल, कितने किलो का हो जाता है, 5 किलो का? 5 का। नानी भी पीछे बैठी हुई है, हाय करो, हाय कर रही है, देखो। थकावट की नहीं मेरे को तो लगी, आपको लगी थकावट? थकावट लगी है, भूख लगी है। उंगली बता ऐसा, आज किसकी उंगली भी कट गई आज ना, बताओ कहाँ कटी थी ये, थोड़ी सी इसकी उंगली कट गई आज, लगी तो नहीं थी ज्यादा, थोड़ी सी ना, ये तो चलो हमने कई बार थोड़ी बहुत बैंडेज वगैरह जो है वो डाली होती है ना, बैंडेज वगैरह डाली होती है घास काटती बार, हमने लेके आए होते घर से। और सुधा को देखो, इसको मैंने कितनी बार मना किया है कि इस, मतलब ये जो पूरी स्लाइडिंग है मतलब बहुत खतरनाक है, इसमें मतलब जो वो लेके नहीं आनी चाहिए लकड़ियाँ वगैरह, क्योंकि यहाँ पे खाली चलना मुश्किल हो जाता है। मम्मी को देखो कैसे चल रही है, और ये लकड़ियाँ लेके चली होती है, इसको कितनी बार मना किया है कि इस, मतलब ये जो है ना यहाँ से लकड़ियाँ लेके नहीं आनी चाहिए, रास्ता बहुत ख़राब है ये, पर मानती नहीं है ये बोल के। तो फिर चले आए थे।
दोस्तों ये है बुज्जी यानी कि कुचालू के पत्थर है ना, हमारे साइड तो इसको बुज्जी बोलते हैं। तो आज जो वो इसको, वैसे हम छाई वाला साग बना रहे हैं आज शाम के लिए, तो इसको उसमें डाल देंगे। सुधा एक्चुअली अभी लाई है इसको खेत से, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल हरे हरे हैं, और ये अभी धो के रखे, मैं बाहर लेके आया था दिखाने के लिए आपको। ये है दोस्तों करेले, देसी करेले एकदम से फ्रेश और हरे। ये देखिए हमारे यहाँ तो इसको चिपड़ू भी बोलते हैं गाँव में, और वैसे तो इसको करेले बोलते हैं, और इसकी सब्जी बनने लगी आज, और मीठे करेले भी बोलते हैं वैसे तो इसको। एकदम से फ्रेश है, फर्स्ट टाइम है ना पहली सब्जी ना, सुधा बना रही है सब्जी इसकी, अभी बनानी है कि सुबह के लिए काट रही है? सुबह के लिए तो पता, तो ऋत्विक बोलता है इसको क्या बोलते हैं, चूहा। दादी भी बना रही है। क्या बना रही है? सब्जी। तो ये बोलता है इसको चूहा, वेर इज चूहा, ये घर के हाथ है माउस। तो आज इसकी सब्जी बन गई, आज दादी भी बना रही है सब्जी। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल, और ब्लॉग में आज भी जो वो दूसरे दिन शूट कर रहा हूँ, पिछले कल शाम के बाद मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था, शाम को मतलब एंडिंग करनी थी पर नहीं की, और आज मैं मतलब दूसरे दिन मतलब यानी कि शाम के टाइम में ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और शाम को थोड़ी थोड़ी हुई थी मतलब बारिश, मतलब शाम क्या मतलब सुबह के टाइम में हुई थी बारिश, और सुबह के टाइम में जब बारिश हुई थी तो मैं दिखाता हूँ अभी मतलब माउंटेन पे क्या हाल है। ये देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ माउंटेन की हालत। तो सुबह के टाइम में हुई थी थोड़ी थोड़ी बारिश, तो उसी से ही जो वो मतलब बिल्कुल पहाड़ जो एक बार वाइट हो गए हैं। इस सीज़न की फ्रेश स्नो है ये, पहली स्नो, और ठंड का आगाज़ जो मौसम ने कर दिया है। तो मतलब लगता है देख के बर्फ़ को कि इस बार ठंड जो वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, और पहली बारिश मतलब थोड़ी सी बारिश हुई थी तो उसी बारिश के साथ जो बर्फ़ गिर गई पहाड़ों पे, तो बड़ी जल्दी इस बार बर्फ़ भी शायद ज़्यादा ही गिरेगी, इसको देख के तो ऐसा लगता है। और ये जो व्यू आप देख रहे हो ये बिल्कुल हमारे घर से सामने दिखता है, और गांव तो आपको पता है ये बिल्कुल पहाड़ों के नीचे नीचे है, मतलब बिल्कुल नीचे है पहाड़ों के। ये देखिए व्यू, वैसे तो स्लाइडिंग की वजह से व्यू कम ही दिखता है थोड़ा थोड़ा। और ये है जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये है करेली पे, ऋत्विक चढ़ गया है रित्ते के ऊपर, इसको भी ठंड लगने शुरू हो गई है। कहाँ है, वेयर इज बॉल, ढूंढ लेके आओ ना। ये है आरू, आरनव ऋत्विक का फ्रेंड, और अभी रित्ते के ऊपर चढ़ के खेलने लगे। क्या बन गया इसके कपड़े में, वेयर इज, ओके हाय तो करो सबको, पहले हाय करो, बोलो हाय